हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज हो ले करके आए हैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसके पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पे सॉरी इनडेफिनेट पे हम कई सारी ट्रिक लेकर के आए हैं बट आज उसके आगे हम कुछ और बेहतर ट्रिक आपके लिए लेकर के आए हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन में हमें किसकी ज़रूरत होती फॉर्मेट की तो लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मेट किया था वो क्या था जीरो से लेकर के पाई और डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ये आता था और इसकी ट्रिक आपने क्या सीखी थी इसकी ट्रिक था ये डायरेक्ट रिजल्ट था कितना पाई अपॉन ए बी अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए दीजिए यहाँ पे देखिए आप क्या इस पाई को, पाई को जीरो इंटू टू पाई बाई टू लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या है डी एक्स अपॉन है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ओके देखिए इसकी वैल्यू पहले कितनी आती थी इसकी वैल्यू आती थी पाई बाई ए बी अब आप ध्यान से देखिए क्या यहाँ पर ये एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स जो है यह सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है मतलब आपने पढ़ी होगी ना एक आइडेंटिटी होती है कि एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है अगर एफ एक्स होता है ओके तो फिलहाल यहां पर ये आइडेंटिटी सपोर्ट कर रही है तो ये आइडेंटिटी सपोर्ट करती है तो क्या होता है ये टू बाहर आ जाता है तो आंसर इसका कितना हो जाएगा टू ओके okay, और ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाए बाई टू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाए बाई टू डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया पाई अपॉन ए बी तो यहाँ से टू को नीचे जाने दीजिए अल्टीमेटली आपकी ट्रिक बन चुकी है जीरो से लेके पाई बाई टू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स फाइनली आपके पास ट्रिक बन चुकी है ट्रिक बन चुकी है आपके पास कितनी देखिए पिछले बार क्या था पाई अपॉन ए बी था और अब आपकी ट्रिक बन चुकी है पाई अपॉन टू ए बी ओके okay, तो अब आपके पास जो ट्रिक बन चुकी है वो क्या बन चुकी है पाई अपॉन टू तो फाइनली आपको किस चीज पर चिपके रहना है आपको जो चिपके रहना है दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं अभी एक जो मैंने बनाया पहले इसके बनाया था वो क्या था जीरो से लेके पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अगर जीरो से लेके पाई तक है तो कितना आएगा पाई अपॉन ए बी और अगर जीरो से लेके पाई बाई टू तक है यही क्वेश्चन तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ओके तो आपका आंसर कितना आएगा पाई अपॉन टू ए बी पाई अपॉन टू ए बी तो आइए कल चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चन देखते हैं देखिए जीरो से लेकर के पाई बाई टू टी एक्स अपॉन सिक्सटीन साइन स्क्वायर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव कॉस स्क्वायर एक्स ओके आपसे बोला जाएगा तो देखिए पाई बाई टू है तो फॉर्मूला इसका कितना होता है पाई अपॉन टू ए इंटू बी ए की जगह पे कौन खेलेगा फोर और बी की जगह पे फाइव तो फोर फाइव जो ट्वेंटी इंटू टू मतलब कि आंसर इसका कितना आ गया पाई बाई फोर्टी बिना कुछ करे आपने आंसर इसका कितना निकाल लिया पाई बाई फोर्टी चलिए अब क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखता हूँ जीरो से लेके पाई बाई टू डी एक्स अपॉन ओके फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स की आपको वैल्यू निकालनी तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा पाई आता है टू आता है ए की जगह पे कौन आएगा टू आएगा क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है और बी की जगह पे कितना आएगा रूट थ्री तो आंसर इसका आ जाएगा पाई बाई फोर रूट थ्री तो बच्चों है ना मजे की बात तो दो ट्रिक मेरी याद रखेगा हमेशा जो मैंने आपको बताई है एक जीरो से लेकर के पाई ऊपर रहेगा डीएक्स और नीचे रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स तो इसका आंसर कितना आता है पाई अपॉन ए बी और यदि यही लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई टू हो जाएगी और डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स यदि रहेगा तो ये ट्रिक कितनी बन जाती है ये ट्रिक बन जाती है पाई अपॉन टू ए बी याद रखने की बात क्या है अगर लिमिट पाई बाई टू है तो पाई अपॉन टू ए बी और अगर लिमिट जीरो से लेके पाई तक की है तो पाई अपॉन ए बी तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप मेरे को लगाइए और लगा करके दिखाइए थैंक यू सो मच